धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। चलेगा ये जादू, कौन है दिखाने वाला, इसका दिल है कितना बेकाबू, काबिल मैं सबको बना दूं, जलवे भी अपने दिखा दूं, मैं क्या हूँ सबको बता दूं, झूठ से पर्दा उठा दूं, कोई भी परवाह सबके दिलों का मैं राज हूँ। पता है सारा किस पे चलेगा ये जादू, ये जादू फिर भी ना हो पकम, मैं नशा हूँ शोला भी हूँ शबनम, जो भिड़ता वो होता खत्म, मैं हूँ छुपा खंजर और मैं हूँ डर मंजर, इसको पता है सारा इस पे चलेगा ये जादू, मैं हूँ एक साजिश एक धोखा, देती ना दोबारा मैं किसी को मौका, मैं हूँ एक साजिश मैं हूँ एक धोखा, देती ना दोबारा मैं किसी को मौका, में ये गाना जरूरी है क्या? अच्छा तो है गाना। गुड इवनिंग मुंबई, आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी करुणा के बारे में, अरे नहीं नहीं नहीं, मुंबई के बारे में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एफएम आपके कारों में, आपके फोन में सिर्फ अच्छे गाने सुनने के लिए है, पर ये गलत है। जो कार में दिख रहे हैं उनकी जिंदगी की स्टोरी सुनने का अच्छा रेडियो है ये। इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी अभी कहीं जाने के लिए निकले हैं, पर सच में बात ये है कि इनकी मंजिल की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। अब इस यात्रा में क्या परेशानी है, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमें इनकी स्टोरी देखनी होगी। उसके लिए पहले हमें इनके बारे में जानना होगा। इनका नाम है गिरी, ये कैब ड्राइवर है। हाथ में कार की स्टीयरिंग पकड़ के जैसे कार को कंट्रोल करते हैं ना, वैसे ही अपना घर भी बहुत अच्छे से संभालते हैं ये। अगर इनको किसी का एक रुपया भी मिल जाए तो अपने 100 रुपए खर्च करके उस कस्टमर को लौटाने जाएंगे ये। दुनिया में कहीं ना मिले ऐसा इंसान है ये गिरी।
फास्ट क्यों चला रहे हो? पहले ही बहुत लेट हो चुका है सर, आपके पास कोई सवारी मिल जाएगी इसलिए सर। अरे वहाँ पर तो सभी कपल्स ही आते हैं ना, और सबके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं। आपने जो कहा वो सही है सर, आते ही लोग एक साथ ही हैं, लेकिन जाते अलग अलग हैं। फोन में किसकी फोटो है? बेटा है क्या? हाँ सर। और कौन कौन है फैमिली में? मिडिल क्लास फैमिली का हूँ सर, एक ही बेटा है और एक ही बीवी भी। बस एक ही बीवी? बताया ना सर, मिडिल क्लास है तो एक ही बीवी है। रुको। हाँ सर। कितना हुआ? 300 रुपए सर। ये लो। 500 सर चेंज। कोई बात नहीं, रख लो। थैंक यू सर। हेलो। कहाँ हैं आप? बोलो। बताइए तो कहाँ है? तुम्हारी परेशानी क्या है? परेशानी कोई नहीं है, पर आप कब तक आएंगे? मैं यहाँ एक पब के पास आया हूँ, अब चुप रहो। क्वार्टर की जगह फूल चढ़ाकर आ गई है। कौन चढ़ा के आई है? लड़की है क्या वहाँ? अरे हाँ लड़की है, मैंने कहा ना फोन कट करो। हेलो अलीबाग। तुम ठीक तो हो ना? जब से तुम गए थे मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। लाओ बैग दो। ये क्या, इसमें सिर्फ 9 ही पैकेट हैं? अरे क्या कह रहे हो, 9 पैकेट ही हैं? विनोद, पिछली बार जब तुमने मुझे कॉल किया था ना। बोलो विनोद। मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। बैग में 10 पैकेट रहेंगे, उसमें से 5 पैकेट संभाल कर रखना, रास्ते में किसी और को देना है वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ओके ठीक है। रखते समय शायद एक नीचे ही गिर गया है, और उसी समय तुम्हारा कॉल भी आया था। रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ। ओके आता हूँ। मैंने वहाँ से तो सारे पैकेट्स उठा लिए थे, मुझे लगता है वो पैकेट कार में ही मिस हो गया होगा। एक काम करो, फोन करो उसे। हाँ हेलो। हेलो, बात करते करते फोन कट गया या आपने काटा था? नहीं मैंने काटा था। आप कहाँ हैं और कब तक आएंगे? अब मैं इस समय गाड़ी चलाऊं या तुमसे बात करूं? करिए। हाँ दोनों एक साथ नहीं कर सकता। बोलो। गाड़ी में पैसेंजर है क्या? क्या कर रही है? शायद पब में उसकी आँख खुल गई है, यहाँ आँख बंद करके बैठी है। अच्छा आप ठीक तो है ना? हाँ। हेलो हेलो। सॉरी मैडम, ये लीजिए पानी। कुल्ला कर लीजिए, पेट में जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम मेरे पेट में नहीं, मेरे दिल में है। फोन स्विच ऑफ बता रहा है, अब क्या? मैडम अब आप ठीक हैं? मैडम नॉट ओके। मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप बताओगे? जी पूछिए। क्या गलती करने से इंसान गलत होता है? नहीं। बगैर गलती के सॉरी बोलना गलत है? नहीं। तो फिर मैंने तो ये दोनों किया है, तो मैं बिल्कुल सही हूं ना? हाँ मैडम। अगर उस दिन मुझे ऑफिस जाने के लिए देर नहीं होती तो आज मैं इस तरह दुखी नहीं होती। ए, दिखाई नहीं देता क्या तुझको इडियट? हाँ
जमाने में सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हारे जैसे लोग गलती खुद करते हैं और इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। उस बच्ची ने बहुत अच्छा पंच दिया ना। वो होने के एक दो दिन बाद फिर उस दिन मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने भैया से लिफ्ट मांगी थी दीदी, और फिर आपने उनको डांटा तो मैंने आपको चिढ़ाया था दीदी, सॉरी दीदी। इट्स ओके। थैंक यू दीदी। ऑटो। सॉरी जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे ये क्या, आप तो बगैर कुछ पूछे ही ओके बोल रहे हो। आपने बिना किसी रीजन के सॉरी का, इसलिए मैंने भी आपको रिप्लाई दिया, सिंपल। उस दिन मेरी ही गलती थी, रोड क्रॉस करते हुए मेरा ध्यान ही नहीं था और मैं और उल्टा मुझे ही डांटा था उस दिन। सही कहा ना? इसका मतलब जिसने मुझे उस दिन डांटा था वो स्कार्प वाली लड़की आप ही हो। इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू से सॉरी। थैंक यू। क्या आप यस टेक्नोलॉजी में काम करते हो क्या? क्या वहाँ काम करना गलत है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। आप ये सिर्फ ड्रॉप करने का काम करते हो या और भी कुछ करते हो? अगर हो सका तो मैं आपको पिकअप भी कर सकता हूँ। जस्ट किडिंग। मैंने आपकी सॉरी को एक्सेप्ट किया, उस वजह से तो आप आ ही सकते हो ना। जिस दिन आपने सागर को सॉरी कहा उस दिन उसने आपको लिफ्ट दी है ना मैडम? वो होने के दो दिन के बाद ना? नहीं, चार दिन के बाद। सागर के बारे में बताया था ना? वो यहाँ सामने वाले घर में ही रहता है। कहाँ पे? अरे वो सामने ही रहता है। वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वही रहता है, मैं बता रही हूँ ना। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे पागल, वो अभी अपने रूम पे आ रहा है। ये तुम दोनों का चल क्या रहा है? अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड मेरे रूम तक नहीं आया। बोलना, टेंशन हो रही है। तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हें टेंशन हो रही है, वो यहाँ आ रहा है इसलिए खुश हो रही हो ना? कभी सामने वाले को फील हो या ना हो, लेकिन हमें बहुत दुख होता है। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर थिंकिंग, ये दोनों रिलेशनशिप के लिए और हेल्थ के लिए हानिकारक है। मैं इन सब मामलों में बहुत ही क्लियर रहता हूँ मैडम। अपने मामले में गलत फहमी पालने से बड़ी परेशानी होती है, मैं ऐसा नहीं करता, नो चांस। पर मैंने किया था, सागर को सिर्फ सॉरी बोलने के लिए पागलों की तरह इंतजार किया। और हमेशा की तरह इट्स ओके कहा उसने, फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। यू ना बोलो।
ना देखो सताओ ना मुझको ए ना जाओ आ जाओ है बोला ये दिल तो बच्चों सा नादान है बोला थोड़ा सा सच्चा कुछ बेईमान पता पता तू ही बता मेरी वफा मेरी खता मैं हूँ वहाँ तू है जहाँ तेरे बिना जीना कहाँ तेरे इश्क में पागल दीवाना तू ही तू है मेरी मंजिल मेरा ठिकाना तुझ पे ही दिल और जा मैं लुटाऊं कितना प्यार करता हूँ कैसे तुझको दिखाऊं वहां से जब मैंने यूटर्न लिया तब स्टोरी शुरू हुई थी। हेलो हेलो भैया मैं डेविड बोल रहा हूँ। कौन डेविड? वही जिसने 500 का नोट दिया था। हाँ बोलिए सर। कुछ नहीं बस एयरपोर्ट जाना था तो सोचा कि आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे। अभी मैं दूसरे कस्टमर के साथ हूँ सर। उनको कहाँ ड्रॉप करना है? अलीबाग सर। और अभी कहाँ पे हो? अभी चेक पोस्ट क्रॉस किया सर, आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊंगा। ओके मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। मैडम मेडिकल शॉप के पास एक दो मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, लव यू। थैंक यू। कहाँ हो तुम? आधे घंटे में तुमसे मिलकर तुम्हें विश करूंगी, डोंट वरी। कोई बात नहीं, पहली बार पब गई हो, एंजॉय किया ना तुमने? बहुत अच्छे से। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो? ड्रिंक करने के बाद कई सारे सच झूठ हो जाते हैं और झूठ सच हो जाते हैं, मैंने देखा आज। बड़ी फिलॉसफी की बातें कर रही हो। ठीक है घर आके कंटिन्यू करती हूँ। ओके आ जाओ, वेट कर रही हूँ। शराब पीकर गाड़ी चलाता है, चल बारा। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, हटाओ गाड़ी। हाँ तू मुझसे सवाल करेगा, चल बारा। आमने सामने जवाब देता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है, चल बारा। चलाना चुपचाप बाहर निकल। दादागिरी कर रहे हैं, निकल बोला ना। Thank you.
चलिए मैडम आइए। मन कर रहा था कि थप्पड़ लगा दूं, आप थे इसलिए रोक गया मैडम, खुद ही सामने आ गया और झगड़ा भी करने लगा। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो सब जाने दीजिए मैडम, आप अपनी स्टोरी सुनाइए ना। आज पब में पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे पसंद नहीं। वैसे एक दूसरे को प्रपोज किए बिना हमें इतना एडवांस नहीं होना चाहिए। What? इसमें प्रपोजल और इसका क्या संबंध है? We are just friends with benefits. Benefits क्या? किसके लिए? ये क्या इलॉजिकल बात कर रही हो तुम? सागर, प्लीज। और वैसे भी हम यहाँ सबके साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं, सिर्फ अकेले तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया? हाँ, तुमने मुझे इनवाइट किया है या उसके इंटेंशंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करने आई हूँ ये बता रही हूँ। प्लीज लीव इट। हाँ, लीव इट मतलब इस टॉपिक को या तुम्हें? अगर मेरी बातों से तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम्हारे बिहेवियर से मुझे आ रहा है। कुछ भी, मुझको यकीन नहीं हो रहा है सागर कि तुम्हारी सोच ऐसी है मेरे लिए। प्लीज मुझे फोर्स मत कर, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे रुको शालिनी, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? मैडम, आपकी खुशामद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपने जो किया सही किया मैडम। हर लड़के अगर आपकी तरह सोचने लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी मैडम। क्या इसमें कोई ट्विस्ट भी है? मेडिकल शॉप के पास एक दो मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो लगा था गिरी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत तारीफ भी की थी उसकी, पर तुमने तो आकाशवाणी को गलत साबित कर दिया। तुम्ही ने वो ड्रग्स पैकेट बदल कर नकली ड्रग्स डाल दिया होगा। बहुत होशियारी से काम करने लगे हो तुम। हे भगवान, अरे रे 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 रे, क्या आदमी है ये? ये कहीं चेकिंग करने तो नहीं आ रहा? तुम अलीबाग सर? ठीक है, मुझे भी वहीं छोड़ देना। सर गाड़ी में कस्टमर है सर। कुछ नहीं होगा, चलो। सर आप ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग करने यहाँ आ रहे, इसलिए मैं डर गई थी। इसका मतलब तुम पीकर गाड़ी चला रहे हो? नहीं सर, मैंने नहीं पी ये मैडम। इसका मतलब तुमने ड्रिंक किया है? वैसे आप पुलिस वाले बहुत ग्रेट है, दिन रात आप लोग कितनी मेहनत करते हैं सर, और आपको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा काम है। ये क्या मामला है? ये बैग तुमने कहाँ से खरीदा? बहुत अच्छा है, परसों मैंने अपनी बहन के लिए ऑनलाइन देखा था, पर स्टॉक नहीं था। कहाँ से लिया? मेरी फ्रेंड यूएस से लाई है। आपका बैग देख सकता हूँ सर?
एक पुलिस वाला होकर आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं सर? कस्टमर ने अगर कंप्लेंट कर दी तो मेरा जॉब चला जाएगा सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। सॉरी मैडम, आपके होते हुए दूसरे कस्टमर को बिठाया, गलत मत समझिएगा। इस टाइम पर क्या करना चाहिए? नींद का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, इतना स्लो क्यों बोल रही हो? वो क्या है ना, हमारे घर में सब सो गए हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात ही कर लूं। अच्छा? अरे क्या अच्छा, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। बोलो क्या है। अगर अभी तुम मेरे घर आओगे तो हम दोनों हम दोनों मिलके सामने वाली गली में आइसक्रीम खाने जाएंगे। अभी तुम्हें सिर्फ आइसक्रीम खाना है, उतना ही ना? टीवीएच वो नहीं है। टीवीएच क्या? ओफो, टू बी ऑनेस्ट कह रही हूँ मैं, इतना भी नहीं पता खुद तो। मेरा मतलब पक गया। है, मुझे आइसक्रीम खाने की इतनी इच्छा नहीं हो रही है। जब फ्यूचर में हमारी शादी होगी तो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने के लिए हमारे पास कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए ना, इसीलिए। देखो, उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम गए थे बस इतना कहना काफी है। हाँ? देखो, अभी हर लव स्टोरी में एक ही जैसा मूवमेंट हो ये जरूरी नहीं है, सभी खुद से ही क्रिएट करके बिल्डअप देते हैं और हम भी उन्हें ही फॉलो करते हैं। सिंपल। और वैसे भी इतनी रात में रिस्क लेना जरूरी है? तुम तो बहुत डरपोक निकले, किसी काम के नहीं। मैं तो तुम्हें स्मार्ट समझती थी। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें आइसक्रीम ही खानी है ना, इतना ही ना? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और सुनो, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारा आइडिया है, मैं सबसे कह दूंगा। तुम मुझे डरा रहे हो? मेरी दीदी बहुत ही खड़ूस है, अभी आने की जरूरत नहीं है, कल शॉपिंग पे चलेंगे ना, तब खा लेंगे। ओके बाय बुद्धू, सॉरी बाय सागर, बाय। ठीक है बाय बाय। सागर का मैसेज आ रहा है। ये सागर कौन है? बहुत लंबी स्टोरी है सर, बताने में टाइम लग जाएगा, वो सब छोड़िए ना सर। मैं घर पहुंची कि नहीं पहुंची इसकी टेंशन हो रही होगी। मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ओके। हेलो शालिनी, आई एम रियली सॉरी शालिनी, मेरी बातों का अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। दरअसल मेरा इंटेंशन वो नहीं था। तुम मुझे कितना पसंद हो वो कहने के चक्कर में मैंने ऐसा कहा। इट्स ओके सागर, तुम्हें रियलाइज हुआ वही काफी है मेरे लिए। पहले मैंने मिसअंडरस्टैंड किया था ना, तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है मैं समझ सकती हूँ सागर। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि वो गलती करके पछता रहा है? मुझे लगा था तुम्हारे पास थोड़ा तो दिमाग होगा, तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भाई आ गए। इसे खेल समझ रहे हो? 10वीं पैकेट में एक पर्ची थी, उसकी कीमत क्या है पता है तुम्हें? कीमत सुनके तुम लोग डर जाओगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया था।
पूरा प्लान खराब कर दिया तुम लोगों ने। उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। सागर, मैं ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गई हूँ। घर जाकर कॉल करूँ? शालिनी, शालिनी, तुम अपने रूम पहुंचने तक कॉल मत काटना, तब मुझे लगेगा कि तुम सेफ हो और घर पर पहुंच चुकी हो। ऑलरेडी मैं काफी देर से तुम्हारा टेरेस पर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, यही रोक दो। हाँ, ओके मैडम। पैसे मैं ऑनलाइन पे करती हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू। क्या देख रहे हो? चलो। हाँ हाँ हाँ, चल रहा हूँ सर। शालिनी, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। मुझे भी तुमसे बातें करनी थी ना, इसलिए मैं घर से थोड़ा पहले ही उतर गई। यू आर टू इंटेलिजेंट। रुको, यहीं उतरना है। हाँ सर। बोल रहे क्या अब? थोड़ी देर पहले मेरी कार में ड्रग डीलर बैठे थे, वो कहीं तो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैं उनका नंबर आपको SMS कर दूंगा, उनसे अपनी स्टाइल में डील कर लेना। हाँ, मैं देख लूंगा। तू रुको रुको भाई, 2 दिन के बाद वहां जाना, नहीं तो उनको मुझ पे डाउट हो सकता है ना। बोला ना, देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। ओके भाई। लोकेशन तो यही है। ओके। विनोद, कैब का नंबर भी वही है। भैया, ये कैब ड्राइवर कहाँ रहता है? यही रहता है, पर घर पे ताला लगा है। जरा देख क्या हो तो। हाँ, जाओ जाओ, देख लो। अंदर के दरवाजे में ताला लगा हुआ है। बोला था ना मैंने। हेलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। चलो उससे पूछते हैं। भैया, ये कैब ड्राइवर कहाँ गया है? सुबह बहुत जल्दबाजी में कहीं गया है, शायद गांव गया है। गांव गया है? हाँ। ये 2000 रुपए रखो, और वो जब भी दिखे तो कॉल करना। हाँ। इसमें मेरा नंबर ठीक है भाई, फोन करता हूँ। ओके भाई, थैंक। हाँ, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ, हाँ बोल। जैसा आपने बोला था, 2 आदमी आए थे भाई, मुझे 2000 रुपए दिए और आपके आते ही फोन करने को बोला। तो फिर तुम एक काम करो, 3 घंटे के बाद उनको फोन करना और कहना कि मैं आ गया हूँ। हाँ, बोलता हूँ। नहीं, अभी फोन करो, कहना कि मैं आया था और अभी अभी चला गया। समझ गए ना? मैडम जी, बोलिए। यहाँ शालिनी नाम की कोई लड़की रहती है? इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता भैया, कल रात को मैंने उसे यहीं छोड़ा था। अरे कहा ना, शालिनी नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। हे भगवान, अगले बर्थडे में मैं अपने पति के साथ आपके दर्शन करने आऊं, और तब तक मुझे अपने ऑफिस के HR के अत्याचार से बचा के रखना भगवान जी। बालिका, भगवान तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा कहा है मुझसे? मैंने भगवान जी से 2 प्रार्थना की, तुम्हें कैसे पता चला? भगवान के सामने इतनी जोर से बात करोगी तो मुझे क्या पूरी दुनिया को पता चलेगा? मुझे एक बात बता, तुम सब लोग मिलके उस HR की कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? कंप्लेन करूं? वो HR और मेरा बॉस कॉलेज के क्लोज फ्रेंड्स हैं। अगर मैंने कंप्लेन की तो मेरी जॉब चली जाएगी। वैसे उस HR की प्रॉब्लम क्या है? सभी को छेड़ता है, इसलिए ऑफिस में हम सब उसे टच थेरेपी के नाम से बुलाते हैं। टच थेरेपी?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे अरे, मेरा हाथ, ये क्या हाथ चिपक गया? तुम्हारे हाथ में फेविकोल था क्या? हैव अ गुड डे। हे, क्या बात है, बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ सर। तुम जैसे लोगों को मेहनत नहीं करना चाहिए। वैसे तुम ऋतिक रोशन की फैन हो ना? हाँ सर। तो ठीक है, उसकी एक दो मूवी का नाम बताओ जरा। बहुत ना प्यार है। एक और बताओ। कभी खुशी कभी गम। हाँ, बहुत क्यूट हो, बिल्कुल मेरे लिए बनी हो। सच में बहुत ठरकी है वो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे। पंडित जी, आज इसका बर्थडे से आशीर्वाद दीजिए। ये लो बेटे, रोज सुबह ये विभूति लगाना, सब मंगल होगा। मेरी तरफ से अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे बेटे। और आपको हिंदी में धन्यवाद। एक सेल्फी लेते हैं। अरे रुक, तेरे सेल्फी के चक्कर में मैं टीका लगाना भी भूल गई। अरे तो अंदर जाके लगा के आना। अंदर जाने की क्या जरूरत है? बहुत लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए, बाय। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भैया? मुझसे ही मांग लो, मैं देती हूँ। श्रीशा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेलकम। श्रीशा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे श्रीशा। थैंक यू। हाय श्रीशा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या यार, तुम लोग एक एक करके हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो होलसेल में सबको थैंक यू, अब अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। ये क्या, ये सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों लग रही है? श्रीशा, मैं बिल्कुल नहीं भूला। Many happy returns of the day. ये क्या सर, आपके हाथों में खुजली हो रही है क्या? इतनी ही खुजली हो रही है तो हाथ को जेब में डालिए ना। श्रीशा, तुम ही? हाँ, मैं ही हूँ। अगर हाथों में खुजली हो रही है तो हाथ को जेब में रखो। मुझे कहा था। अब तुम यहाँ पुतले की तरह खड़े मत रहो, जाके अपने केबिन में बैठो। जाओ ए, केबिन में जाके एसी ऑन कर लेना, थोड़ी ठंडक मिलेगी। देख लूंगा तुझे।
गांव में छोटा मोटा काम करके कितना खुश था मैं, खामखा यहाँ लाकर मुझे फंसा दिया। मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था कि पैकेट गुम कर दो, अगर वो नहीं मिला तो समझ जाना क्या होगा। हेलो, वो गिरी अभी घर पे आया है। बस 5 मिनट में हम लोग पहुंचते हैं, वो कैब ड्राइवर आ गया है घर पे। चलो चलो। वो लड़की जिस कंपनी में जॉब करती है उसका नाम क्या बताया था? एक मिनट। हाँ हेलो भाई। हाँ बोलो। आपने जिनको बुलाने को बोला था वो आ गए, अब क्या करना है? ये तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना है? इतनी बार समझाया तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? बोला था ना उनसे कहना कि अभी अभी गया हूँ। क्या कहा तुमने उनसे? अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है मैं मैनेज करता हूँ। अरे फोन रख दिया इसने, पागल कहीं का। क्या हुआ भाई? वापस चले गए, आप लोग बहुत लेट हो गए। ये क्या बोल रहे हो, हम तो 2 मिनट में आ गए ना, इतनी जल्दी कहाँ जाएगा वो? 2000 रुपए दे के जाओ, वो आएंगे तो बता दूंगा आपको। ये क्या बकरा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहो भैया, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, बता दो प्लीज। आ जा, टाइम खराब करता है। चल। एक्सक्यूज मी। हेलो, आई एम डॉक्टर शर्मा, साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आप परेशान हैं। परेशानी बहुत तरीके की होती है, लेकिन आप घबराइए मत, ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है। पहले आप रिलैक्स हो जाइए। पीस ऑफ माइंड इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग, जस्ट काम डाउन। ठीक है मैं शाम को कॉल करता हूँ। ओके सुमन, इसे एक बार देखना। हे, तुमने तो सॉल्व कर दिया, सुपर। मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, श्रीशा ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, हमारा प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए रेडी है। मैं बॉस को कॉल कर दूँ? कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ओके सर। तेरा फोन स्पीकर ऑन करना। हाय बॉस, बिजनेस कैसा चल रहा है? ड्रग्स की डीलिंग हो चुकी है या नहीं? कौन बात कर रहे हैं? नेत्रा, रुद्र नेत्रा, रुद्रापुर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल। इतना काफी है या और डिटेल्स चाहिए? क्या हुआ, फोन पे किसके साथ लगे हो? अरे रुको ना, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। अजीब प्राणी है ये, मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ की नाइफ है। मैं अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है। तुम्हें सेटिंग पुलिस स्टेशन में लगानी है या कहीं बैठकर सेटलमेंट करनी है, चॉइस इज योर्स। भाई हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब लाइन पे आया ना, कहाँ कब कैसे और कितने डिसाइड करने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। नेत्रा, काउंटिंग स्टार्ट नाउ। बॉस को कॉल करना? बॉस को नहीं, विकास को बताते हैं। फिर तुम दोनों ही देख लेना इसे। Thank you.
Happy birthday. Bless you. आइए ना सर, आइए। आंखों में मिर्ची भर के मुंह में केक दे रही है, देख लूंगा तुझे। अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर। सिर्फ 10 मिनट की जर्नी में ड्राइवर की अदला बदली। मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना। पुलिस वाले के होते हुए बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना, कि वो भी भरना पड़ेगा। इधर पास में पेट्रोल पंप है। मतलब पेट्रोल भी। चल गाड़ी स्टार्ट कर। सुबह बहुत प्यार से बुलाकर केक खिलाया तुमने। वैसे इतनी हिम्मत कहाँ से लाई तुम? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब मैंने कैसे किया? ये क्या सर, श्रीशा ने सभी के सामने आपको ऐसे बोल दिया? बस बहुत हुआ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया है। डर क्या होता है उसे फिर से दिखाना पड़ेगा। जल्द दिखाता हूँ। ए, कौन हो तुम लोग? पुलिस वाले को किडनैप किया है। तो तू पुलिस वाला है? पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी करने के बजाय हमारे साथ डील कर रहा है तू? तुझे मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी? सच सच बताएगा यार? गिरी 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 कैब ड्राइवर गिरी हमारे पास से ही ड्रग्स पैकेट चुरा के हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, कुछ समझा नहीं, वापस बताइए ना। दसवीं पैकेट बैंक पर्ची थी, कीमत क्या है पता है मुझे? अबे गिरी ये तूने क्या कर दिया, फंसा दिया मुझे। अभी कभी उसे फोन कर। फोन स्विच ऑफ है। तुमने उसे कॉल भी नहीं किया और कह रहे हो कि स्विच ऑफ है। अरे मैंने कहा मेरा फोन स्विच ऑफ है। तू उसे फोन करे या ना करे हमारे हाथ से नहीं बचेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गया, मतलब मेरी भी बैंड बजेगी। सर वो ड्रग्स के पैकेट में पर्ची क्यों रखी थी? बस छोटा सा डाउट था। रुक अभी बताता हूँ। रुद्रा से कहता हूँ कि ड्रग डीलर्स के चक्कर में ना पड़े। भाई पुलिस वाले के फोन पे कॉल आ रहा है। रुद्रा भाई
मुझे तुमको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। मैंने कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट डीलर्स के बारे में, उनके चक्कर में मत पड़ना। मेरे पास एक प्लान है, जब मैं कहूंगा तो मेरे साथ चलना। अबे पुलिस के चमचे, तूने गलती कर दी है, मेरे सामान पे हाथ लगाया तूने। अगर ड्रग्स लेके जाता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन उस पैकेट में एक पर्ची है, किसी भी हालत में वो मुझे चाहिए, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसलिए वो पर्ची देके जाओ और पुलिस वाले को लेके जा, नहीं तो उसके हाथ पैर तोड़ के पार्सल करता हूँ। हे भगवान, सबसे पहले फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हेलो हेलो, अरे बच गया, क्या होगा। सुनो आप ही से, वो कॉल किसका था वो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉल आने के बाद फिर से आपकी परेशानी बढ़ गई। सर मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हैं? यस व्हाई नॉट। मान लीजिए कि ये फोन एक बड़ा हथौड़ा है और यहाँ पर किसी की उंगली रखी हुई है। ओके। अब इस हथौड़े को इस उंगली तक आने में कितनी देर लग सकती है? मेरे होशियार माइंड के हिसाब से फ्यू सेकंड्स है ना। हाँ। अब एक परेशानी और है सर, ये उंगली यहाँ पर फंसी है और मैं इसे हटा भी नहीं सकता। अरे, अब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं सर। पहला तो इस हथौड़े को किसी तरह रोकूं, या फिर इस उंगली को निकाल लूं। हाँ तुम सही हो, एग्जैक्टली। आपकी बकवास से मैं उंगली को निकालने की बात नहीं सोच पा रहा हूँ, आई बात समझ में? जस्ट आई वांटेड टू हेल्प यू। हेल्प करना चाहते हैं? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, 10,000 रुपए दे सकते हैं? कितने? पैसे का नाम सुनते ही कितने चले थे मुफ्त की सलाह देने। साइकेटिस्ट साइकेटिस्ट कह के परेशान लोगों को लूटना ही तुम्हारा काम है ना, अपना काम कर चुपचाप। वाकई में ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसमें और मुझ में सिर्फ शर्ट मैचिंग है, बाकी कुछ मैच नहीं है। 10,000 कहाँ से लाऊंगा, उससे अच्छा किताब पढ़ता हूँ। ऑर्डर है क्या? वो रोक कर पहले ऊपर देखो, जल्दी करो। क्या ऊपर की डिलीवरी हो गई? नहीं अभी नहीं। हाँ बोलो कृति। हाय, तुम अब तक वहीं पे हो क्या? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, मैं आकर तुम्हें पिकअप करता हूँ ना। जब तक तुम आओगे मेरी बुटीक बंद हो जाएगी। सही कहा सही कहा। हे, अगले महीने तुम्हारी इंगेजमेंट है ना, शादी के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दो। वो तो हो जाएगा, पर अभी तुम आओगे कि नहीं? चल तू अपना काम कर। कृति तुम्हें बहुत जल्दी है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपने फ्यूचर के लिए ही तो है, तुम तो जानती ही हो कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, अगर मैं यहाँ एक घंटे ना रहूँ तो सब उल्टा हो जाता है। हेलो एक्सक्यूज मी सर। बोलिए मैडम, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गिरी। हाँ तो मिस्टर गिरी, मैं यहाँ पहले से बैठी हूँ ना, आपको जरा भी कॉमन सेंस नहीं है, यहाँ इतने सारे टेबल खाली हैं, आप कहीं और जाकर बैठिए। टेबल खाली है तो आप ही चले जाइए ना, मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे? लेकिन मैं पहले आई हूँ ना। ये टेबल कोई बस की सीट थोड़ी है, पहले आई हो या बाद में आई हो, मेहरबानी करो मैं हाथ जोड़ता हूँ यहाँ से जाओ। अरे ऐसे कोई बात करता है क्या? तुम तो मेरी डार्लिंग हो ना। हमेशा ऐसी बातें करके बच जाते हो तुम। ठीक है दीदी के साथ चली जाऊंगी। बाय बाय, सी यू। कीर्ति जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई, लकी हो यार। सच बोला, मैं बहुत लकी हूँ। हेलो, अब ये कहाँ जा रहा है? जरा एक मिनट। हाँ सागर, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ रिक्रूट में हूँ, और तुम कहाँ हो? क्या तुम बिजी हो? अरे नहीं नहीं, फ्री हूँ, बोलो ना। कुछ नहीं, मैं बस घर जा रही थी तो सोचा तुम्हें पूछ लूँ कि तुम फ्री हो कि नहीं। कल से हम दोनों ने बात नहीं की थी ना, तो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं भी तुम्हें कॉल करने के बारे में सोच ही रहा था, फिर मुझे लगा तुम ऑफिस में बिजी होगी इसीलिए नहीं किया। एक्चुअली मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। शालिनी यू आर द बेस्ट गर्ल इन माई लाइफ, तुम्हारे अंदर मुझे कोई भी कमियाँ नहीं लगी, तुम हर एक चीज में परफेक्ट हो। और मैं
क्या बोलूं? तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है शालिनी। इफ यू डोंट माइंड मैं रूम पर आता हूं, वहीं बात करें। ओके सागर। हाँ अरे सुनो हा? मैं रूम पर जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। सर, सागर सर, प्लीज सर, वो मेरा रूम है सर, मेरे रूम में मुझे ही रहने दीजिए सर। हे, कीर्ति जैसी लड़की होने के बावजूद भी ये सब तुम क्या कर रहे हो? अरे एक दो दिन और रुक जाओ बस। क्या? मैटर क्लाइमेक्स तक पहुँच चुका है, उसके बाद तुम्हारे रूम की तरफ देखूंगा भी नहीं। सच में? हाँ चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके से उसी का फोन आ रहा है। कल सुबह तक वो ड्रग्स का पैकेट और पर्ची तुम्हारे हाथ में होंगे। कल सुबह तक क्यों? क्या तुमने कोई मुहूर्त रखा है? वैसे तू अभी है कहाँ बोल? हम वहीं पे आके ले लेंगे और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। मुझे बस वो पर्ची चाहिए। भैया माफ कर दो भैया, मैं अभी शहर में नहीं हूँ। कल सुबह तक आपका माल आपके हाथ में पहुँच जाएगा, मेरी बात मानिए, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। प्लीज। हेलो 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 भाई, क्या कहा उसने? उसने कहा है कि तेरी बीबी को भी किडनैप कर लूं मैं। अब देखो तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। मैडम आई है, किसी ने देखा नहीं क्या? कल मैडम की परफॉर्मेंस की वजह से खड़े होकर तुम सबको ताली बजाना चाहिए। सही कहा ना? चलो छोड़ो, बैठ कर ही तालियां बजा दो। प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए रेडी है और यहाँ पर सभी ने उसके लिए बहुत मेहनत किया है। वैसे तुमने क्या काम किया था श्रीशा? हाँ, तुमने वो हाफ बेक्ड एरर कोड क्रिएट किया था, सब कुछ आधा अधूरा, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। वो मैट्रिक प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है तुम जानती हो? अगर तुम्हें काम करना नहीं आता है तो बोलो, हम प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, ही कैन डू इट। नहीं तो दूसरी टीम के हेल्प लेकर हम अपना काम खत्म कर सकते थे। और तुमने तो सभी के सामने एरर कोड को आधा सॉल्व करके बोल दिया कि पूरा सॉल्व हो गया है, और सुमन को भी बोला कि पूरा काम हो गया है। डू यू थिंक इट्स अ जोक? तुम्हारा कोई कैरेक्टर है कि नहीं? अगर होता तो तुम ऐसा नहीं करते। अब रो क्यों रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। हम सभी को रोना चाहिए। Disgusting. क्या तुमने कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर फास्ट जाती हुई ट्रेन को देखा है? हाँ देखा है। कैसा लगा तुम्हें? दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जब वो लोग बॉलिंग करते हैं ना तो सामने वाली टीम को वैसा ही लगता है। टेस्ट मैच का मतलब छोटा मोटा मैच नहीं होता, उनके कैरेक्टर का टेस्ट होता है। एक टाइम था जब द्रविड़ और लक्ष्मण के साथ साथ सचिन और गांगुली भी हुआ करते थे, इसलिए हम मैच जीत जाते थे। पर ये सब है T20 के प्लेयर, पता नहीं कैसे जीतेंगे। तुम्हें तो क्रिकेट की बहुत नॉलेज है। अबे तुझे क्या पता, ये जॉब ही मुझे स्पोर्ट कोटे से मिली है। एक बार रस्सी खोलकर देखो, फिर दिखाता हूँ जलवा। अगर 10 साल पहले मुझे देखते ना, इस रुद्रा के सामने बैटिंग करने वाला कोई माइकल लाल नहीं था।
टाइम खराब था तो कांस्टेबल बन गया, नहीं तो आपुन भी नामचीन प्लेयर होता। तू चुपचाप मुंह बंद करके देखेगा या टेप लगाना पड़ेगा? आजकल टेप क्या फोकट में मिलता है क्या? तू सोच रहा होगा कि हम तेरा एंटरटेनमेंट करवाने के लिए बैठे हैं, अगर कार ड्राइवर ने पैकेट नहीं दिया ना तो पहले तेरी ही बलि चढ़ेगी। तेरी किस्मत अच्छी है कि भाई अभी इलेक्शन में बिजी है। ये भाई कौन है? एमएलए ऋषिकेश के बेटे। एमएलए ऋषिकेश का बेटा? इलेक्शन जीतने दो, उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा हमें। हेलो, हाँ हाँ समझ गया भाई, चल रहे चलो। अबे कैब, तूने तो मेरी गाड़ी जिंदगी के पटरी से उतार दी बे। आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, एक मिनट में फिर से कॉल करता हूँ। ए हेलो हेलो, हाँ रिसीव कर। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपके लेफ्ट में जो तीसरा अपार्टमेंट है, अभी उसमें से एक लड़की बाहर निकलेगी। हाँ, ये जो हैंडबैग डालकर आ रही है वही लड़की है। आपको जो पैकेट चाहिए उसी बैग में है। चल चलते हैं। पैकेट मिल गया ना आपको? अगर मिल गया हो तो उस लड़की का बैग उसे वापस कर देना प्लीज। पागल समझ रहा है मुझे? इस बैग में उस पाउच की जगह विभूति का पाउच रखा है। उस बैग में विभूति का पाउच है? और क्या, मैंने खुद बैग में डाला था। तुम जहाँ भी हो चुपचाप इधर आओ, वरना हम ना उस पुलिस वाले की खोपड़ी खोल देंगे। क्या हुआ श्रीशा, कल तो तुम इतने हिम्मत से बात कर रही थी और आज ऐसे चुपचाप खड़ी हो? वो तुम्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा है, पता है ना वो कैसा है। तुम ठीक तो हो ना? आओ चलते हैं। आज मैंने वो विभूति नहीं लगाई ना, मुझे लग रहा है इसलिए ऐसा हुआ।
मिनट रुको तो भाई, वो बैग मुझे दिखाओ। हाँ बैग तो वही है। विभूति है, पर भाई मैंने पैकेट इसी में डाला था। हम लोग सबको धोखा देते हैं, तूने हमें ही धोखा दिया। धोखा देना होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता? भाई जरा एक मिनट रुकना। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी भागो। चल, चल, चल। ओ हेलो, कौन हो तुम लोग और शालिनी के रूम में क्या काम था? ये कौन है? शालिनी का बॉयफ्रेंड है, सागर नाम। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? वो सब बाद में बताऊंगा। उस दिन आपकी मैडम का बैग मेरी कार में छूट गया था, वही देने के लिए आए हैं। बैग कहाँ है? कार में है ना। अरे रोको तो सही, क्या कर रहे हो? गाड़ी स्टार्ट कर। इसे किडनैप क्यों कर रहे हो? जितना बोल रहा हूँ उतना करना। अरे पर तू गाड़ी बढ़ा यार। सुमन जरा यहाँ आना। ये बग तो अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ था। मुझे लगता है मैटर जानबूझ के सीरियस किया है। आपसे पंगा लिया है तो बुरा ही होगा सर। सही हुआ उसके साथ। मुझसे कोई पंगा लेता तो उसका यही हाल होता है। सर आपसे दो मिनट कुछ बात करनी है। ए, मैडम को कुछ बात करनी है, तुम जरा बाहर जाओ। अच्छा ठीक है सर। कम इन। क्या रे, आंखों के साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है? श्रेशा, व्हाट आर यू टॉकिंग? मुंह बंद करके बैठ, बहुत सारी बातें करनी है। तेरे इस आधे उबले हुए चेहरे को मेरा काम हमेशा अधूरा दिखता है क्या? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर तुझे कुछ कहना था तो डायरेक्ट आके मुझे कहता, ऐसी हरकत क्यों की तूने? श्रेशा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मुंह बंद कर बे। क्या कह रहा था? मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था तू? अब मैं तुझे तेरा कैरेक्टर दिखाती हूँ। ऑफिस में सब लोग तुझे क्या कह के बुलाते हैं पता है? हैरिसिंग एचआर। अगर मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूं तो तब तेरी फैमिली को, तेरी वाइफ को तेरे कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। तब निकाल लेना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो ऑफिस में किसी को कुछ कहना मत, मेरी इज्जत का सवाल है या मेरी रेपुटेशन की बात है। मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं। अपनी गंदी हरकतों को सुधार लो तुम, और यहाँ जो कुछ हुआ किसी से कहा तो वीडियो वायरल कर दूंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो प्लीज, बस मुझे एक मौका। हे गाइस, आज के बाद एचआर हमें परेशान नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बस अब अपना काम करो। ए, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? ए, भाई तुम चाहे जितना गिड़गिड़ाओ, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये यहाँ के मानव रोबोट हैं। सर आप तो पुलिस वाले हो ना सर, प्लीज सर मुझे यहाँ से बचाइए ना। अबे मेरे खुद के लगे पड़े हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे सन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। इंग्लिश मीडियम? हाँ तो मैं तुम्हें इंग्लिश में समझाता हूँ।
आई कांट डू एनीथिंग। अरे क्यों कर रहे हो ये सब? एटलीस्ट मुझे रीजन तो बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? सुनो, तुम्हें यहाँ कोई लाया नहीं है बल्कि उठाया है, आई मीन किडनैप। तुम यहाँ कितना भी चिल्लाओ चाहे कुछ भी करो, यहाँ कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। थोड़ी देर में यहाँ इंसान के रूप में एक किंग कॉन्ग आएगा, इनका बॉस। वो आके तुम्हें सब कुछ क्लियर बताएगा। तब तक अपनी एनर्जी संभाल के रखो, जस्ट लाइक मी। शट अप। ए, तुम लोग बोलो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ए, चुप बैठ। मेरी बात तो सुनने वाले हो नहीं। एक बात बताऊं, तुम्हारी किस्मत खराब है जो कैब ड्राइवर गिरी को जानते हो। मुझे नहीं पता। नहीं पता तो किसके बारे में जानते हो? शालिनी को जानता हूँ। वो कौन है? माइला। अबे इधर आ, तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। भाई एक बार मेरे हाथ खोल दो भाई, प्लीज। इसे खत्म करके मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। इसे बांधो। भाई आपको बांधे या मुझे बांधे एक ही बात है। आप कैसे हैं भाई? कैसे हो भाई? अबे तेरी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ। और मेरी बीवी को किडनैप करने के लिए क्यों कहा? मैं क्यों कहूँगा किडनैप करने के लिए? आपको बचाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। क्यों भाई, ये सच है ना? तो बताओ ना इसे। एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया और मुझे बोल रहा है कि मुझे बचाने आया है। एक बार अच्छी तरह सोच के देखो, मैंने तुम्हें फंसाया है कि तुम खुद फंसे हो? भाई भाई आप एक दो दिन और रुक जाइए भाई, नहीं तो उनको मुझ पर शक हो जाएगा। मैंने बोला ना देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मतलब मैंने खुद को फंसाया? आ गया किंग कॉन्ग। ये तुम्हारा बॉस है? हाँ, यही है। भाई भाई थोड़े से पैसे के लालच में मैंने ड्रग्स का पैकेट बदल दिया था। बदकिस्मती से क्रिकेट की बैटिंग में पैसे हार चुका था। अगर दो दिन में पैसे नहीं लौटाता तो वो मेरी गाड़ी छीन लेते भाई, इसीलिए ये काम किया था। और जब आपको पता चल गया तो लौटाने भी आ रहा था, लेकिन वो ड्रग्स का पैकेट अनजाने में उस लड़की के हैंडबैग में चला गया। कसम से जब तक आपने बताया नहीं था वो पर्ची उस बैग में है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं किसी भी तरह उस लड़की को पकड़ के वो पर्ची आपको लौटा दूंगा भाई। ये लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है सर, प्यार के नाम पे धोखा देकर उस लड़की का इस्तेमाल कर रहा है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूँ मैं, किसी और लड़की के साथ सगाई होने के बाद भी शालिनी के साथ प्यार का नाटक कर रहा है तू। अबे क्या आदमी है। कॉफी हाउस से फॉलो कर रहा हूँ तुझे, सब कुछ जान गया हूँ। अच्छा तुम्हें पता है, तो जो मन में आए वो बोलोगे क्या? लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलने वाला पापी है तू। अरे क्या हुआ तुम्हें, ऑफिस क्यों आई हो? सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तो दो लोग बाइक से आए और उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया। पर्स चोरी हो गया? तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं देखा। और गाड़ी का नंबर पता है क्या? नहीं पता। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया क्या? नहीं किया। तुम अपना फोन दे दो, मैं सागर को कॉल करती हूँ अभी। ये ले। भाई कोई शीशा है, कोई से फोन कर रही है। मुझे तो, मैं भाई को देता हूँ, बात कीजिए भाई। हेलो सागर, सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तो कुछ लोग आए और उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अभी शीशा के ऑफिस में हूँ, तुम आ सकते हो क्या? तुम्हें अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। हेलो कौन बोल रहा है? सागर कहाँ है? हाँ है वो। शालिनी चुप बे। वो अभी हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तुम्हारे हैंडबैग में एक पैकेट है, उस पैकेट में एक पर्ची है, वो पर्ची मुझे दे दोगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज मेरी बात सागर से करवा दीजिए। लाइए मैं बात करता हूँ, एक मिनट। हेलो, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। परसों तुम पब के पास एक कैब में बैठी थी ना? हाँ तो क्या तुम्हें कुछ याद है उस दिन जब कैब में बैठी थी एक पुलिस वाले ने लिफ्ट मांगी थी? याद है। वो पुलिस वाला नहीं, पुलिस की ड्रेस में एक क्रिमिनल था। क्या बोल रहे हो? आपको कैसे पता वो क्रिमिनल है? अबे वो पुलिस मैं नहीं हूँ, ऐसे मत देख। उसने तुम्हारे बैग में एक ड्रग्स का पैकेट रखा था जिसमें पर्ची थी, उस पैकेट के लिए ही उन्होंने तुम्हारा बैग चुराया है। लेकिन उस बैग की तलाशी लेने पर उन्हें ड्रग्स का पैकेट नहीं विभूति मिली। क्या कह रहे हो, विभूति का पैकेट है? अगर तुमने इस मामले में पुलिस को कुछ भी बताया तो सागर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा।
जिस दिन तुम वो ड्रग्स का पैकेट और वो पर्ची हमारे हाथ में रखोगी, उस दिन सागर तुम्हारा बैग, फोन और उसमें रखा सारा सामान तुम्हें वापस मिल जाएगा, समझ गई ना? ओके, मैं वो पैकेट वापस कर दूंगी, आप सागर को कुछ मत करना प्लीज। हेलो हेलो। अरे वाह, तू तो एकदम प्रोफेशनल ड्रग लीडर की तरह बात कर रहा है। लेकिन आखिर में तुमने बोला ना सागर के साथ में हैंड बैग, स्मार्ट फोन, लिपस्टिक, ये वो पूरे देने की बात कही थी ना तुमने, तभी वो लड़की समझ गई होगी कि तुम बेवकूफ हो। चांस ही नहीं है। ऐसे कैसे? अगर उस लड़की के पास इतना ही दिमाग होता तो सागर जैसा आदमी उसे धोखा नहीं दे सकता था। सॉरी छोटे, चारों तरफ घूम कर ये टॉपिक तुम्हारे ऊपर आकर टपक गया। तुम्हारा टाइम तो मुझसे भी खराब है, आई एम सो सॉरी। सुनना, कल वो पंडित जी ने तुम्हें विभूति का पैकेट दिया था ना, कहाँ है वो? वो तो मेरे पास ही है। मुझे लाकर दे दे। हाँ हाँ। थोड़ी सी ले ले, या इसके बदले में मैं तुझे अपनी नई वाली ड्रेस भी दे दूंगी, पर ये वाली विभूति मेरे पास रहने दे प्लीज। तुम ये विभूति अपने पास ही रखो, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन ये विभूति नहीं है। फिर क्या है? ड्रग्स। ड्रग्स है? जल्दी से पहुंच जा, समझ गया ना तू? ओके भाई, आता हूं। ए, उस पुलिस वाले को 1,00,000 रुपए दे दे और इन दोनों को 50-50 दे और अपने लोग जितना बोले उतना। मैं तुम सबको यह पैसे क्यों दे रहा हूँ जानते हो? ये बात हम किसी और को ना बताएं इसलिए ना? सही कहा ना? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए भाई, और ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भाई एक मिनट, भाई मुझे भी आपके पैसे नहीं चाहिए। अब हमारे और आपके बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। अब मैं अपने गांव चला जाऊंगा। ये तो किस्मत अच्छी थी जो बिना कुछ हुए इस मैटर से बाहर आ गया, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। और वैसे भी अगर ये कोई और करता तो ये सब बातें हम जेल में बैठकर कर रहे होते।
ए, सुनो जी भाई, आज से अपना यह बिजनेस बंद। हाँ? इन सबके साथ अपने लोगों को भी गांव भेज दो। लगता है इसमें इंसानियत जाग गई है। चलता हूं भाई। थैंक यू। इसे भी देना है। इसे भी? तेरा आधा और मेरा आधा, बाद में लफड़ा मत करना। क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों किया? इस पर्ची की कीमत क्या है पता है तुझे? तेरे ताऊजी की एमएलए की सीट है ये। कोकिन में वो किक कहाँ, असल किक तो पावर में होती है। ये पूरा बैच हमारे किसी काम का नहीं। इलेक्शन के बाद बताऊंगा बिजनेस क्या होता है। इस जगह को क्लीन करके तुम आ जाओ। जी भाई। तक आया हुआ निवाला खा नहीं पाए, वारी बदकिस्मती। वैसे देखा जाए गिरी तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद तुम्हारी बॉडी पर एक खरोच भी नहीं आई। बिना किसी नुकसान के तुम इस मैटर से बाहर आ गए, वरना तुम और तुम्हारी ये गाड़ी कहीं और दिखते। आगे से ध्यान रखना। तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? दुर्घटना से देर भली, ड्राइव सेफ। गुड इवनिंग मुंबई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई। उस दिन जो तुम्हें डांटा था उसका बुरा लगा क्या? शालिनी बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं इमोशनल होकर के चिल्ला पड़ा। दिल पर मत लेना यार। मैं वो सब नहीं सोच रहा हूँ भाई। तो फिर शालिनी के साथ जो मैंने बिहेव किया, छे मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अब मैं उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहूंगा। गुड बॉय। वैसे तुम शालिनी को कैसे मैनेज करोगे? हाँ, ऑलरेडी मैनेज कर चुका हूँ भाई। पर कैसे? सेम जैसा आपने कहा था, आपने पुलिस वाले को क्रिमिनल कहा था ना, शालिनी को वही सेम स्टोरी सुनाकर मैनेज किया मैंने। तुम कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं हो, इस बार तो बच गए हो, लेकिन अगर दूसरी बार किसी लड़के के साथ ऐसा परफॉर्मेंस करोगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ससुर जी, कैसे हैं आप? कैसे हो? अच्छा। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गए? यहाँ का व्यू अच्छा है ना? कृति के पापा आए थे इसलिए मिलने गया था। ससुर जी पुलिस वाले हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बोलना, चुटकी में सॉल्व करवाऊंगा। तुम्हें एक बात पता है? याद है उस दिन स्टोरी में एक पुलिस वाले को मैंने क्रिमिनल कहा था? हाँ, ये वही है। अगर ये बात शालिनी और इसको पता चल गई तो फिर हमारा क्या होगा? और क्या होगा, फिर से वही स्टोरी शुरू। Ra ra re ra ra re re ra 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 re ra ra re re ra। किसको पता है सारा किस पे चलेगा ये जादू, कौन है दिखाने वाला, इसका दिल है कितना बेकाबू, कातिल मैं सबको बना दूं, जलवे भी अपने दिखा दूं,
मैं क्या हूँ सबको बता दूँ, झूठ से पर्दा उठा दूँ, कोई भी परवाह ना करूँ, सबके दिलों का मैं राज हूँ। किसको पता है सारा किस पे चलेगा ये जादू। नशा हूँ शोला भी हूँ शबनम, जो भिड़ता वो होता खत्म। मैं हूँ छुपा खंजर और मैं हूँ डर मंजर, इसको पता है सारा इस पे चलेगा ये जादू। मैं हूँ एक साजिश, मैं हूँ एक धोखा, देती ना दोबारा मैं किसी को मौका। मैं हूँ एक साजिश, एक धोखा, देती ना दोबारा मैं किसी को मौका।